एवरीवन, आज बात करेंगे पंजाब वेटनरी कॉलेज के बारे में, मतलब पंजाब स्टेट में वेटनरी कॉलेज कितने हैं, कौन से प्राइवेट हैं, कौन से गवर्नमेंट हैं। चलिए इसको हम देखते हैं और इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे वो भी बात करेंगे। क्या करेंगे इसमें डिस्कस, पहले कि हमारा कैसे इसमें एडमिशन मिलेगा, सेकेंड इसमें फीस स्ट्रक्चर क्या पड़ेगा, इसमें हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यही फर्स्ट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एडमिशन के लिए कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सेकेंड एडमिशन का क्या फीस पड़ेंगे, क्या थर्ड हमारा इसका क्या कटअप रहेगी, कौन सा कॉलेज प्राइवेट है, कौन सा इसमें गवर्नमेंट है, कितने सीट मैट्रिक्स हैं, क्या इसमें कॉलेज में फैसिलिटीज़ मिलेंगे, ये सारे वीडियो आपको कवर करने के बाद सारी चीज़ें पता होगी। चलिए थोड़ी सी पता करने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश करने के पहले हमको इस चीज़ें जाननी होगी, पहले कि हम सीट मैट्रिक्स को ही देख लेते हैं कि हमें सीट मैट्रिक्स पहले किस पंजाब स्टेट में पढ़ता है, जिस चीज़ को बात करेंगे। ये पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला का जो यूनिवर्सिटी का नाम है ये दे रखी है, काउंट से दे रखी है पंजाब यूनिवर्सिटी की कॉलेज के यूनिवर्सिटी के नाम, ये है गुरुदेव गुरु आनंद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंस लुधियाना। कहाँ है? लुधियाना में, पंजाब के लुधियाना में है, ठीक है। देन आपको क्या इसमें करना है, देन आपको देखना है कि इस कॉलेज का दो नाम है, पहले कि खालसा कॉलेज एंड एनिमल वेटनरी अमृतसर जो प्राइवेट है, ठीक है, ये अमृतसर जो प्राइवेट है, सेकेंड है कि लुधियाना कॉलेज ऑफ वेटनरी वेटनरी कॉलेज साइंस लुधियाना, ठीक है, ये गवर्नमेंट है। लुधियाना वाला जो वेटनरी कॉलेज है वो क्या है, गवर्नमेंट है। अब सीट डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का कॉमन है, 100-100 हैं, ठीक है। अब ऑल इंडिया 15% कोटा के सीधे देखें सीट तो 15 हैं, दोनों में 15 हैं कॉमन है। अब देखो भाई ये ऑल इंडिया 50 कोटा के सीधे है क्या, नीट यदि एग्ज़ाम दिए हों, नीट का एग्जाम यदि दिए हों, ठीक है ना, तो नीट के स्कोर के आधार पे आपको इस 15% ऑल इंडिया कोटा के सीट पे आपका एडमिशन होगा, समझने की बात है नहीं। तो ऑल इंडिया 50% यदि 15 सीट में से आपको, मतलब ये आपको 15 सीट में एडमिशन चाहिए तो आपको नीट का एग्ज़ाम देना होगा, बिना नीट का एग्ज़ाम देने बिना इसमें एडमिशन नहीं पाएंगे। हाँ पाएंगे, 85% 85% किसके लिए है, सिर्फ पंजाब स्टेट वालों के लिए है जो पंजाब के डोमिसाइल है, मतलब जो इसका स्टेट पंजाब है, जैसे मेरा स्टेट क्या है, बिहार है, हमें बिहार वाले उसमें पंजाब वाले 85% सीट पे 85% है ना सीट पे हम एडमिशन नहीं ले सकते, ठीक है ना। हम किस पे ले सकते हैं एडमिशन, हम 15% वाले पे एडमिशन ले सकते हैं, इसके लिए हमको नीट एग्ज़ाम देना होगा, नीट में क्वालिफाई करना होगा, ठीक है, उसके बाद कटअप मार्क्स लाना होगा तभी तो एडमिशन होगा भाई। नीट में क्वालिफाई करने के बाद थोड़ी ना हो जाता है कि भाई वेटनरी कॉलेज मिल जाएगा, नहीं, कटअप के अंदर आओगे तो ही मिलेगा, उसका क्या कटअप है इसकी बात करेंगे। तो पहले इसमें सीट डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, इसमें यू आर कैटेगरी के लिए 5 सीट हैं, बट यू आर पी डब्ल्यू के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जनरल ई डब्ल्यू एस के लिए 2 सीटें हैं, आप जा सकते हैं जनरल ई डब्ल्यू एस के लिए, लेकिन जनरल ई डब्ल्यू एस पी डब्ल्यू डी एस हैं तो कोई सीट यहाँ पे कोई जगह नहीं है आपके लिए, ठीक है। देन आपको ऐड करना है ओ बी सी के लिए 3 सीटें हैं, 3 सीटें आप केवल रहें तो आ सकते हैं, लेकिन ओ बी सी की पी डब्ल्यू डी के लिए 1 सीट, सॉरी कुछ ज़्यादा हो गया, ओ बी सी के लिए 60 सीटें हैं लुधियाना में, ठीक है। ओ बी सी पी डब्ल्यू के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पे, एस सी के लिए 3 सीट हैं, एस सी पी डब्ल्यू के लिए कोई जगह नहीं है, एस टी के लिए 1 सीट है, एस टी पी डब्ल्यू एस के लिए कोई सीट नहीं, मतलब पी डब्ल्यू एस डी एस जितना भी है यहाँ पे कोई जगह नहीं है, पी डब्ल्यू एस के लिए कोई जगह नहीं है, पी डब्ल्यू एस के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे ओ बी सी हो, चाहे यू आर कैटेगरी वाले हो, या फिर एस टी वाले हो, या फिर एस सी वाले हो, चाहे ओ बी सी वाले हो, ठीक है ना। पी डब्ल्यू एस लग गया तो आपके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, ठीक है। जैसे सिर्फ ओ बी सी हैं तो इसलिए 4 सीट है, यू आर कैटेगरी है तो 5 सीट हैं, जनरल ई डब्ल्यू एस है तो 2 सीट हैं, ठीक है ना, ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। बट इन केस ऑफ अमृतसर वाला जो है खालसा मेडिकल कॉलेज के सीट डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है, ठीक है। इसके लिए क्या है, आप यू आर हैं तो 7 सीट अवेलेबल हैं आपके लिए, जनरल ई डब्ल्यू एस के लिए 1 सीट अवेलेबल हैं, ओ बी सी के लिए 4 सीट अवेलेबल हैं, एस सी के लिए 2 सीटें अवेलेबल हैं, एस टी के लिए 1 सीट अवेलेबल हैं, ये सीट आपके लिए हैं, आप इसके लिए काबिल हैं, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो काबिल कैसे होंगे, आप नीट का एग्ज़ाम दीजिए या फिर पंजाब से हैं तो उसका एग्ज़ाम दीजिए, पंजाब अपना खुद एग्ज़ाम कंडक्ट करती है इसमें एडमिशन लेने के लिए। कितना परसेंट पे, 55% सीट पे, ठीक है ना, 85% सीट पे, 15% सीट पे आपको नीट एग्ज़ाम देना होगा, चाहे आप पंजाब से हों या फिर पंजाब से अलग के रहने वाले हों, पंजाब के अलग स्टेट वाले रहने वाले हों, चाहे आपको 15% को नीट, मतलब 15% पे सीट पे एडमिशन चाहिए तो आपको नीट देना ही होगा, चाहे आप स्टेट वाले हों, पंजाब स्टेट वाले हों, चाहे पंजाब के अदर स्टेट वाले हों, ठीक है। और 85% किसके लिए है, सिर्फ पंजाब स्टेट वालों के लिए है, अदर स्टेट वाले इसमें नहीं आ सकते, ठीक है, वो रिजर्व होता है स्टेट वालों के लिए। चलिए थोड़ा सा इसके वेबसाइट पे जाएंगे, किसके वेबसाइट पे, इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, गुरु आनंद देव जो वेटनरी कॉलेज है इसको हम जस्ट कॉपी करते हैं, एक कॉपी हो जाए बॉस, कॉपी करते हैं और हम गूगल पे सर्च करते हैं, कॉपी हो गया, देन आपको कहाँ जाना है, क्रोम ओपन करना है, ओके। क्रोम ओपन होने करने के बाद आपको क्रोम पे पेस्ट करना है या फिर इसको सर्च करना है, आपको लिख के टाइपिंग करके ये आपको सर्च करना है यूनिवर्सिटी को, ठीक है। तो कर देते हैं और सर्च करते हैं, सर्च किया तो वो नीचे इसको स्क्रॉल करना है तो ये लोगो मिल जाएगा पहले इस कैंपस का, मतलब इस यूनिवर्सिटी का, ठीक है। देन आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिए, आप इसका जो वेबसाइट है, रियल वेबसाइट है गढ़वासू,
ठीक है, ये वेबसाइट है, रियल वेबसाइट है, इसमें आपको क्या करना है, क्या जानना है इसके बारे में, आपको बस इस पर टच करना है। टच कर लिए क्या, आप देखिए इसमें नोटिफिकेशन भी आ गया बॉस, यदि आपको एडमिशन चाहिए क्लिक हेयर टू अप्लाई द ऑनलाइन फॉर द एडमिशन BBSC एनिमल हस्बेंड्री, या फिर डिप्लोमा करना चाहते हैं वेटनरी में या फिर एनिमल हस्बेंड्री टेक्नोलॉजी में फॉर एकेडमी 2023, तो इसमें क्लिक करें और चलो करते हैं क्या चक्कर है, अभी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको लॉग इन करना होगा, पहले आपको तो ये सब पता है, नहीं पता है ना, तो आपको क्या करना है, लॉग इन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो आपको जो स्कोर कार्ड था नीट का स्कोर कार्ड, जो ईमेल दिया था उस ईमेल आईडी और यहाँ पे पासवर्ड आपको डाल के उस ईमेल आईडी का सबमिट करना है, ठीक है। देन आपको कुछ इंटरफेस मिलेगा, बट अभी मेरे को अप्लाई नहीं करनी है, तो मैं वहाँ से प्रोसीड्योर टू अप्लाई एप्लीकेशन फॉर, ठीक है ना, ये था अप्लाई, यहाँ से कर सकते हैं आप, ठीक है ना। उसके पहले, इसे एडमिशन लेने के पहले, आप इस यूनिवर्सिटी में काबिल हैं या फिर नहीं हैं, ठीक है, एडमिशन लेने के लिए इसमें काबिल हैं या फिर नहीं हैं, तो इससे कहाँ से पता चलेगा, ये यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्टस 2023-24, यदि आप 2023 चल रहा है ना, तो 23-24 अगर नीट 2023 दिए हैं तो आप इसमें अभी एडमिशन लेने के काबिल हैं, तो इसके लिए पढ़ना होगा कि हम काबिल हैं या फिर नहीं, इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे रखा है, तो उस पर जस्ट टच करना है, आपको एक PDF डाउनलोड होगा, बट मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है, एक कह रहा है कि आपके पास ऑलरेडी है, तो क्यों डाउनलोड करूँ, नहीं करूँगा, कैंसिल करता हूँ। मैं अपने डाउनलोड ऑप्शन पर जाता हूँ, गढ़वासु सर्च करता हूँ, गढ़वासु गढ़ अरे यार ये देखो आ गया, अरे यार और एक गढ़वासु होगा, ये देखो नीचे है, ठीक है ना, मेरा पास ऑलरेडी है, इसको क्लिक करता हूँ, तुम्हारा पेज ओपन होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है। ऐसे आपका इंटरफेस डाउनलोड होगा, गुरु आनंद देव वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री लुधियाना पंजाब इंडिया, ठीक है, हर चीज़ दे रखा है, लुधियाना में है, पंजाब के लुधियाना में है, इंडिया इंडिया में है ना, इंडिया के पंजाब में, इंडिया पंजाब के लुधियाना में है, ठीक है। ऐसे ना होता है भाई, कॉलेज ये कैंपस आपको इंटरव्यू देखने को मिलेगा भाई, अच्छा कैंपस दिख रहा है यूनिवर्सिटी का, तो ये यूनिवर्सिटी का लोगो देखेगा, है ना, ये स्टेबलाइज कब किया था, 2015 में, तो मतलब पुरानी है सब, है ना, पुरानी तो हो ही गई यार, उतनी पुरानी नहीं हुई है, बट हाँ पुरानी है, एज ए कंपेरिजन ऑफ 2023 कंपेरिजन करें, अभी भी पुरानी है ना भाई, कितनी साल हो गई, 18 के साल तो हो ही गई पुरानी, ठीक है। तो आपको नीचे थोड़ी सी स्क्रॉल करनी है, तो आपको कुछ प्रोस्पेक्टस पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, 23-24, अब 24 में एडमिशन लेंगे तो 24-25 आएगा, ठीक है, 25 में लेंगे तो 25-26 आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। ये थोड़ा ये वेबसाइट का नाम दे रखी है, ठीक है ना, जो वेबसाइट दिखाई थी आपको, देना सर अपना कुछ डिस्क्रिमिनेशन दे रहा है, ऐसे ऐसे हटाओ, मेन मुद्दे पर आएंगे हम लोग, ठीक है। ये हमारा जो भी है इस कॉलेज का कैंपस का वाइस चैलेंजर हैं, ये सब देख सकते हैं आप, डिटेल्स के बारे में पढ़ना है तो वहाँ पे दे रखी है, ठीक है। देन आपको नीचे स्क्रॉल करना है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको एडमिशन लेने के लिए जो इंपॉर्टेंट होगी चीज़ें बात करेंगे। अब देखो कि पहले इसमें हम लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, हर चीज़ दे रखा है, BBSC प्रोग्राम के लिए एडमिशन चाहते हैं, यूनिवर्सिटी के बारे में दे रखा है, कॉलेज के टेक्नोलॉजी फैक्सी, आप किस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं भाई, इसमें जाना चाहते हैं ना, तो बस इसी के बारे में पढ़ेंगे हम, इसी के बारे में सारी चीज़ें इतना, ठीक है। आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं साइंस टेक्नोलॉजी में, तो आपको ये पढ़ना होगा, जो पेज नंबर इतना मैंने रखी है, ठीक है। तो याद रखना हम किस पे कवर करेंगे, बस कितना कवर करेंगे, ये चैप्टर 2 ही कवर करेंगे, तो पेज नंबर 14 तक आपको देखना है, ठीक है, 2 से 14 तक देखना है, बाकी आपको नेक्स्ट पेज नहीं देखनी है, 14 के अलावा नहीं देखनी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं भाई, 2 से स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा कुछ कुछ रिवेशन दे रखा है, ये सब लोगों को पता है, थोड़ा सा एप्लीकेशन सबमिशन, UT फर्स्ट, देखो एडमिशन कैसे चाहिए, UG प्रोग्राम को एडमिशन चाहिए, मोड ऑफ एडमिशन, देखो यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, देखो यदि आपको एडमिशन चाहिए BBSC में तो नीट का स्कोर होना चाहिए, ठीक है। तब ये भी कह रहा है कि 85% सीट पे भी नीट का ही स्कोर पे ही एडमिशन होने वाला है इस साल, ठीक है, अलग से एग्जाम कंडक्ट नहीं कर रहा है, स्टेट वालों पंजाब स्टेट वालों नीट का स्कोर पे आप इसमें एडमिशन पा सकते हैं 85% सीट पे, यदि आप नीट एग्जाम दिए हैं तो उसके लिए काबिल हैं रजिस्टर करने के लिए, ठीक है। यदि आप इसमें लेना चाहते हैं तो 12 के बेसिस पे एडमिशन हो जाएगा, या फिर इस पर लेना चाहते हैं इस समय 12 बेसिस पे ही एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, बट इसमें नीट का एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑनलाइन हो गई तो पता ही है भाई, आजकल ऑनलाइन हो गया है। अब देखो यदि एप्लीकेशन कहेंगे तो 5,000 लगेंगे आपको, रजिस्टर करना है तो 5,000 लगेंगे, लेकिन ये सब रजिस्टर करते हैं तो आपको 1,700 पे करना होगा ये सब चीज़, बट हम लोग इस पर गौर करेंगे ना अभी, तो 5 साल आपको 5,000 देनी होगी भाई, कितना हाई फी रखा है रजिस्ट्रेशन का, सोचो। लास्ट डेट कब है, 4th वीक फॉर नीट रिजल्ट, नीट रिजल्ट कब आया था, 20 जून को आया था ना बॉस, तो 20 जून का 4th वीक तो आपका काउंट कर सकते हो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो 4 से भाई, 24 इसमें जोड़ दो, जब आएगी वही इसका डेट रहेगा। लास्ट डे विदाउट लेट फी, अच्छा लेट फी करेंगे तो उसका चार्ज है कि आप ज़्यादा सपोज जाकर भूल गए, ये रजिस्ट्रेशन का डेट निकल गया, तो आप देखो 6 वीक में करेंगे, लेकिन 1,000 और ज़्यादा पे करना होगा, तो 5,000 के अलावा 6,000 को पे करना होगा, ठीक है। जैसे मॉकअप राउंड करने के लिए, आप जो मॉकअप राउंड करना चाहते हैं इसमें 1,000 और लगेंगे, फिर मॉकअप राउंड में
1,000 फी पे करना, नहीं 1,000 नहीं, 10,000 भाई, बाप रे बाप, 10,000 पे करना होगा मोबो राउंड के लिए, जिसका रिजल्ट वन राउंड में नहीं मिला, सेकंड में नहीं मिला, थर्ड में नहीं निकला, थर्ड ना थर्ड नहीं होते, थर्ड मोपअप ही होता है, तो मोपअप में आपको 10,000 पे करने होंगे, ठीक है। फर्स्ट काउंसलिंग डेट इज नोटिफिकेशन दे देगा कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रहा है, वेबसाइट पर पता चल जाएगा आपको, ये बार बार विजिट करना है, ठीक है। ये देखा है कि 12/6/2023 से 13/6/2023 सेकेंड काउंसलिंग ये होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, भाई 12 जून से स्टार्ट हो गया है, 12 से 13 सेकेंड काउंसलिंग, ये क्या क्या कर दे रखी है, मतलब काउंसलिंग स्टार्ट हो गया क्या भाई, देखो अभी देखते हैं अभी वेबसाइट पे जाके, ठीक है। बट अभी थोड़ा सा देख लेते हैं, ये चीज़ें हैं, ये सब NRI के लिए, एडमिशन के लिए कंडीशन है। NRI मतलब वो पता है, जन्म तो इंडिया में लिया है बट वो फॉरेन में रह रहा है, ठीक है ना, उसके लिए ऐसा कंडीशन है, इसको हटाओ। थोड़ा सा कॉलेज फीस के बारे में, एडमिशन के लिए थोड़ा सा काबिल कैसे हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या इसके थ्रू एडमिशन होगा। एप्लीकेशन फ़ी आपको पे करना होगा, एप्लीकेशन के टाइम ये तो देख ही लिए भाई कि अब इसमें पहला है 5,000, जब लेट करते हैं तो 6,000 पे करना होगा, है ना, रजिस्ट्रेशन के टाइम, ये तो देख लिया। देन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यूनिवर्सिटी का दे सकते हैं, ऐसा आपका कैंपस देखिएगा यूनिवर्सिटी का। देन कुछ शॉर्ट फॉर्म ये है किसके लिए भाई, लुधियाना, ये है लुधियाना वाला, ठीक है, ये लुधियाना वाला कैंपस है, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस लुधियाना, ठीक है, लुधियाना कैंपस कुछ से तेरे को ऐसा दिखने को मिलेगा, ओके। अब देखो कितना साल का कोर्स है, हर कोई जानता है भाई, 5.5 साल का कोर्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये वाला अलग है, बठिंडा वाला अलग है, ठीक है ना, इसमें कंपेरिजन मत कर लेना, देख लेना, बट बठिंडा वाला कैंपस और बड़ी मस्त है, अच्छा खासा स्पेस में है ना, ये अलग कैंपस है भाई, अमृतसर वाला, खालसा कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस, ये है प्राइवेट जो है, ठीक है, ये भी है बट इसमें VCI के थ्रू एडमिशन नहीं ले रहा है, ठीक है ना, ये सब कैंपस ध्यान रखना बॉक्स, ये VCI तो के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं वाले। देन मोड ऑफ एप्लीकेशन, एकेडमी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, इसके बिना आप जीना ही मुश्किल है। पहला कि आपको नीट एग्ज़ाम देना होगा, कंपलसरी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, ये तो बात कर चुका हूँ पहले से ही। फर्स्ट देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखी है ना यार, दे रखी है, 4 ही दे रखी है, 5 तो नहीं दे रखी ना, 4 दे रखी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो चारों जानना होगा। पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको 12th होना चाहिए, 12th में भी कौन सा, फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, बायो होना चाहिए, और इंग्लिश बोर्ड वाला होना चाहिए, हिंदी बोर्ड वाला नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है, या फिर होगा तो आपको कॉलेज से बात करना होगा कि हिंदी मीडियम पढ़ाई होगा ही नहीं, बस पढ़ाई तो इंग्लिश में होता है, इसलिए इंग्लिश मीडियम वाला ही अप्लाई कर सकते हैं इसमें। यहाँ पे जो दिया है कम्बिनेशन एकदम गौर करें, फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, लेकिन बायोलॉजी स्टूडेंट वाला होना चाहिए, साथ में इंग्लिश मीडियम वाला 12th होना चाहिए, आप 12th जो किए हैं इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है, हिंदी में किए तो आप शायद इसमें एडमिशन नहीं होगा, शायद यहाँ लिख भी दिया है बस, ठीक है ना, इंग्लिश वाला होना चाहिए। अब देखो 12th में जो आप एग्ज़ाम दिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इंग्लिश में, इसमें 50% होना ही चाहिए एटलीस्ट, और SC ST और OBC कैटेगरी और DP कैटेगरी के लिए इतना परसेंट होना चाहिए, 47.5% होगा तो भी 12th में चलेगा, ठीक है। तो पहला है कि आपका एक कम्बिनेशन सब्जेक्ट का होना चाहिए 12th में, स्कोर इतना होना चाहिए जनरल वालों के कैटेगरी के लिए, और जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं इतना परसेंट होना चाहिए, ठीक है, ये हर एक कॉलेज का यूनिवर्सिटी का ऐसे ही चलता है, इसमें कोई नया नहीं है, ठीक है। सेकेंड है कि आपको 12th, ये है कि आपको एक एग्ज़ाम देना होगा NEET UG के मार्क्स पे ही एडमिशन होगा, ठीक है, इससे आप कट ऑफ, उसके कट ऑफ के अंदर आ गया तो आपका एडमिशन हो जाएगा। देन कैंडिडेट सीकिंग द एडमिशन अंडर द सेल्फ फिनांस, अच्छा जो प्राइवेट से एडमिशन लेना चाहते हैं, जो सेल्फ फिनांस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है ना, इसके लिए भी स्टेट कोटा कैटेगरी 1 ड्यूरिंग द एडमिशन, ये भी इसी के थ्रू पे आपको भी एडमिशन हो जाएगा नीट के थ्रू स्कूल पे। ब्रेकिंग ऑफ टाई इन द मेरिट लिस्ट ऑन द कैंडिडेट ऑन द रैंक क्राइटेरिया ऑफ NEET UG मेरिट लिस्ट फॉलो, आपका आ गया कुछ कुछ सीट का डिटर्मिनेशन कैसे होगा, टोटल 100 सीट थे क्या, नहीं थे भाई, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस ऑफ लुधियाना का है, ये बठिंडा वाला है, ये खालसा मेडिकल कॉलेज वाला है, तो आपको सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो देखो भाई पहला है कि 85% सिर्फ पंजाब स्टेट वालों के लिए है, या फिर टेररिस्ट ऑफ चंडीगढ़ के लिए, जो चंडीगढ़ वाले हैं उसके लिए इतना सीट पर आपको एडमिशन हो जाएगा, नीट के स्कोर पर ही हो जाएगा, लेकिन इस वेबसाइट से होगा, गढ़वासू से, ना कि VCI से, हाँ, ऑल इंडिया के थ्रू आप एडमिशन पा सकते हैं 15 वाले सीट पर, ठीक है। द सेल्फ फिनांस सीट फॉर द रेसिडेंशियल ऑफ पंजाब स्टेट, या फिर यूनियन टर्निस्ट ऑफ चंडीगढ़, द सेल्फ फाइनेंस स्टेट वाल, मतलब जो फाइनेंस से है, सेल्फ फाइनेंस से है, 10 सीट है। एक एडिशनल सीट जम्मू कश्मीर वाली स्टेट के लिए एक सीट दे दी है, रूरल एरिया के लिए, अच्छा रूरल एरिया के लिए 10 सीट दे रखी है, और बॉर्डर एरिया के लिए 2 सीट दे रखी है, ये था लुधियाना वाला, बट खालसा वाला कुछ ऐसा है आप दे सकते हैं, ठीक है ना। VCI 50% दे रहा है, ठीक है, NRI के लिए 15 सीट दे रहा है, और रेस्ट 70% दे रखा है, सीट का डिस्ट्रीब्यूशन पहले भी दे रखा था हम लोग। अब रिजर्वेशन कितना चलता है, रिजर्वेशन क्या देखना भाई, देख लेना तुम, ठीक है ना, डाउनलोड करना और पढ़ना है, डिटेल्स पढ़ ले सकते हो। और कुछ एडिशनल है यहाँ पे,
यूनिवर्सिटी नहीं, वही रिजर्वेशन का ही चीज़ें चल रही है। अब देखो थोड़ा फीस स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार फीस स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लगे तो 25,000 लगेगा। देखो भाई एडमिशन के तहत आपको 25,000 पे करना होगा, ठीक है, समाई की बात है नहीं, आई ना चाहे INRI से हो या फिर लुधियाना वाला एडमिशन, तो आपको 25,000 पे करनी होगी एडमिशन के टाइम। कॉलेज का सिक्योरिटी जो रिफंडेबल होता है 3,000 लेगा, जो रिफंड किया जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन फी इतना रुपया लगेंगे, चार्ज एनुअल कॉलेज फी इतना लगेंगे। हर देखो कॉलेज का फीस सब दे रखा है, लास्ट में ऐड कर देगा, ठीक है। ट्यूशन फी 18,000 इतना समथिंग है, जबकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा है सेल्फ फिनंस के लिए। तो यहाँ पे टोटल ऐड किया जाए तो देखो टोटल फी जो स्टेट वाले या कैटेगरी वाले हैं इतना 67,875 रुपीज़ लगेंगे, जबकि सेल्फ फिनंस के लिए कैटेगरी के लिए उस कॉलेज का, भाई दो कॉलेज यहाँ पे, एक लुधियाना वाला है एक फुल वाला था ना, तो लुधियाना वाला कैंपस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, उधर वाला नहीं कर रहे हैं, बहुत प्राइवेट है बहुत, तो पैसा तो ज़्यादा लगेगा ही प्राइवेट में, ये तो है। अब बात कर रहे हैं इसी में कि लुधियाना में एडमिशन लेना चाहते हैं, यदि आप स्टेट वाले कोटा से जा रहे हैं या फिर कैटेगरी वाला जा रहे हैं VSI के थ्रू, तो आपको है ना, तो आपको इतना परसेंट इतना लगेगा 67,000 कॉलेज फी, ठीक है, 67,800 मतलब 87,875 रुपीज़। बट सेल्फ फिनांस से ही हैं तो आपको इतना पे करने होंगे भाई, 4,24,000 पर ईयर, ध्यान रखना 4,00,000 लगेगा। फिर हॉस्टल चार्ज, वो था कॉलेज चार्ज, ध्यान रखें कॉलेज चार्ज था, ठीक है। अब आया हॉस्टल चार्ज, हॉस्टल चार्ज का फिर से ऐड किया जाए, ऐड नहीं किया है क्या, ऐड नहीं किया है बॉस, नहीं किया है ऐड, तो क्या किया जाए, ऐड कर लेना फिर, तो आपको इतना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो हॉस्टल का रूम रेंट भी लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना, हॉस्टल का रूम रेंट इतना पड़ेगा, ठीक है, बात समझ कि नहीं। सिंगल बेड का इतना, डबल बेड का इतना, ट्रिपल बेड का इतना, ठीक है, पर ईयर चार्ज जो भी कॉलेज का जो हर एक क्रेटेरिया होता है यूनिवर्सिटी का, हर एक चार्ज ऐसे ही होता है, ठीक है ना, जितना आपको पे करना होगा आप ऐड कर सकते हैं। इसका हॉस्टल भी कितना पड़ेगा आपको, ठीक है, वो कॉलेज वाइज था, ये हॉस्टल फीस हो गया, ये अलग चीज़ों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बॉर्डर, ए बॉर्डर कैटेगरी के लिए अलग फीस रखता है, हर चीज़ दे रखा है। आप जिसके थ्रू एडमिशन जा सकते हैं तो इसको आके पढ़ लें आप, ठीक है। इसके साथ हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पढ़ लिए ना बॉस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहाँ पे था, पेज नंबर, ये कैंपस था ना, नेक्स्ट हम लोग बात किए थे, नेक्स्ट बात किए थे हम लोग कट ऑफ बात करेंगे भाई। कट ऑफ तो बहुत हाई है नीट का स्कोर, कम स्कोर पे नहीं मिलने वाला है, तो थोड़ा सा कट ऑफ यहीं पे इस पे से बात कर लेते हैं। पहला है कि जनरल कैटेगरी के लिए, यदि आप जनरल से बिलोंग करते हो, कौन जनरल, तो आपका जो नीट का स्कोर होना चाहिए 80 580। OBC के लिए 570, SC के लिए 550 या 530 भी चल जाता है, ठीक है, SC 500 प्लस होना चाहिए तब आपको मिलेगा ऐसा, ठीक है, नीट का स्कोर इतना, तो स्कोर पे तो MBBS भी मिल जाता है भाई, तो क्यों करेगा वेटनरी, अब चॉइस पड़ता है भाई, हम वेटनरी करना तो कर सकते हैं। SC ST वालों के लिए, OBC और जनरल वालों को इतना में नहीं मिलने वाला, ठीक है। देन इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग क्या क्या बात कर लिए, इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत देखे थे कि नहीं, इस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें क्या था, मिसकंसन फीस क्या है, जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है, रिफंडेबल क्या है, फी कंसलेशन क्या है, ये चीज़ें दे रखा है हर पेज में, आप देख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसका जो जो चीज़ें थी वो चीज़ें बातें हम कर चुके हैं अब, और कैंडिडेट मड भी रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल कहाँ है, ये कैंपस है ना, यही था, गुणानुदेव देव वासुदेव गढ़वासु, ठीक है, इसमें बहुत सारा कैंपस है, खुद का रखा है भाई। वेटनरी चाहते हैं, फिर फीसी वाला चाहते हैं, या फिर डेयरी वाला चाहते हैं, हर एक में एडमिशन होता है, जिसमें आपको लेना है ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके डिपेंड करता है, ये तो अलग है, लुधियाना वाला है कैंपस है ना, देन ये था बठिंडा वाला है, ये अमृतसर वाला था कैंपस, ठीक है। आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप इसमें जा सकते हैं। देन हम लोग इस चीज़ में बात कर लेते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं बताया बस, एलिजिबिलिटी में एज क्राइटेरिया मेंशन नहीं किया हुआ है, तो क्या किया जाए, मिनिमम तो 17 साल रहता है, मैक्सिमम वाला पता नहीं अभी मेंशन है कि नहीं, हर एक कॉलेज का यूनिवर्सिटी देखे थे, तो मिनिमम 17 साल मैक्सिमम किसी में देता है किसी में नहीं देता है, तो यहाँ पे मिनिमम किए क्राइटेरिया नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है एज क्राइटेरिया देने रखा, तो मैं कहाँ से ला दूँ एज क्राइटेरिया नहीं दे रखा, लोग तो डाउट में पूछेंगे एज बताओ एज क्राइटेरिया क्या है, मैं अपने यहाँ से नहीं बता सकता ना यार, खुद ही वेबसाइट पे अपना नहीं दे रखा है प्रोस्पेक्टस में, तो मैं कहाँ से जाऊँगा, प्रोस्पेक्टस है खुद नहीं दे रखा है, ठीक है। बाकी सारी डिटेल तो बात कर ही लिया हूँ, ठीक है, तो इसी के साथ हम इस अपने बातों को विराम देता हूँ,
ठीक है, तो उसमें बात बात किया कर लिए, गप गप में बात हो गई ना, पहला कि एडमिशन की क्राइटेरिया क्या है, इसमें क्या क्या एडमिशन के लिए क्या क्या हमको फॉलो करना होगा, फीस स्ट्रक्चर आपको कैसे पे करनी है, ठीक है, मैथ्स चार्ज उसमें इंक्लूड नहीं है। देखो इसमें कॉलेज भी अलग होती है, हॉस्टल भी अलग होती है, और मैथ्स का अलग होती है, ठीक है ना। कॉलेज और हॉस्टल के बारे में पता चल गया, मैथ्स का आपको अलग से भी करना होगा, ठीक है, ठीक है ना। कॉलेज भी कितना बड़ा था, 67,000 समथिंग कुछ था, हॉस्टल भी कुछ अलग है, तो इस दोनों को मिला जाता है ना कि कॉलेज और हॉस्टल लगभग 1 लाख के अराउंड पड़ जाते हैं, मैथ्स का अलग चार्ज, समझ रहे हो, पर ईयर, समझ रहे हो। मैथ्स का तो भाई हरे मैथ्स का कितना, 3500 पर मंथ लेता है ना, 2500 सर पर मंथ लेता है, 3500 या फिर 3000 ऐसे अप्रोक्स लेता है, ठीक है ना। तो उसको काउंट कर लेना, 12 से मल्टीप्लाई करना कि पर ईयर कितना पड़ते हैं मैथ्स का, है ना। तो इधर 3000 ले लो भाई, इधर 30 ले लो, कितना पड़ गया इधर, 9000 समथिंग। इससे एक्स्ट्रा कुछ अच्छा चीज़ें खाओगे तो पैसा बढ़ेगा ना बॉस, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ पैसा लगने वाला है। अरे क्या मल्टीप्लाई किया मैं भाई, ये मेरे को पे करना है पर मंथ, तो 12 से 12 इतने लगेंगे, 36,000 के आसपास लगेंगे, ठीक है ना। यदि आप 3,000 के अप्रोक्स पर मैथ्स खाते हैं, इसमें बढ़ाएंगे पैसा तो इसमें बढ़ेगा, ठीक है। तो अप्रोक्स 1 लाख समथिंग पड़ जाएगा सब मिला दें तो, कॉलेज फी, हॉस्टल फी और मैथ्स फी 1 लाख 1.25 लाख ऐसे ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के साथ सारी चीज़ें तो कैप्चर हो गया, सीट मैट्रिक्स क्या था, एडमिशन किसके थ्रू हो सकता है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, फैसिलिटीज़, अरे हाँ फैसिलिटीज चलो वेबसाइट से पता करते हैं। ऐसे बैक पेज फिर से आएंगे, पेज हमको दिखाए थे पहले, दिखाए थे ना, तो उसमें पेज आने के बाद आपको बस क्या करना है, ये स्टूडेंट कॉर्नर दिख रहा है क्या, उस पर टच करना है, दिख रहा है यहाँ पहले के एडमिशन ये है नोटिफिकेशन, तो आपको स्टूडेंट कॉर्नर पर टच करना है। अरे वेबसाइट कहाँ चला गया, आ गया, ठीक है। तो अभी देखिए इसमें क्या क्या फैसिलिटी देखने मिलेगा, स्कॉलरशिप, स्टिपेंड डिटेल, एकेडमिक हॉस्टल रोल, एकेडमिक कैलेंडर और कुछ कुछ है, GGSR, एग्जामिनेशन। तो वो स्कॉलरशिप में जाना है, थोड़ा सा देख लें भाई स्कॉलरशिप में क्या क्या मिलता है इस कॉलेज में। नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप, नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप यूजी के लिए, पीजी के लिए, अच्छा यूजी के लिए, फिर समझो यूजी के लिए देख रहे हैं, तो नेशनल टैलेंट टेस्ट मिलेगा, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलेगा, फ्री सिप कार्ड मिलेगा और स्पोर्ट स्कॉलरशिप मिलेगा, ये सारे स्कॉलरशिप है। इसके बारे डिटेल पढ़ना है तो हम गेट डिटेल के बारे में क्लिक करें और जानें। स्कॉलरशिप यूजी पोजी के लिए, फॉर यूजी के लिए, यूजी के लिए है कि स्पेंड यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप और कोई शिप है भाई, 500 लिखेंगे पर मंथ मिलेंगे यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, ये 1200 मिलेंगे पर मंथ मिलेंगे, ठीक है। ये 1200 किसके लिए है, नेशनल टैलेंट किसके लिए, हर चीज़ यहाँ पे कंडीशन टर्म एंड कंडीशन दे रखा है, किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ आपको देना है, देखना है। देन मेगा इंडोर अवार्ड मिलता है, ठीक है। देन आप जो चीज़ें देख रहे हैं कि भाई मेडल उडल भी मिलता है, आप इसके लिए काबिल हैं तो मिलेगा आपको, ठीक है। देन आपको क्या देखना है भाई, फैसिलिटीज़ कहाँ से पता चलेगा, एग्जामिनेशन, टर्मिनेशन, एकेडमिक कैलेंडर क्या है, नोटिस बोर्ड फॉर स्टूडेंट यहाँ से क्या मिलेगा, अबाउट गुरु नानक देव वेटनरी कॉलेज, बायोग्राफी दे रखा है भाई, ये है गुरु नानक देव, गुरुदेव है ना, गुरु नानक, इस बारे में कुछ लिख रखा है, पढ़ सकते हैं इस बारे में, ठीक है। यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ना है तो भी दे रखी है ना यार, दे रखी है, पढ़ सकते हैं इसका वेबसाइट पे आके, ठीक है। फैसिलिटीज़ के बारे में पता चल रहा है भाई, फैसिलिटीज़ कहाँ मिलेगा, हर एक वेबसाइट यूनिवर्सिटी का अलग अलग तरीका है भाई, फैसिलिटीज़ कहीं दिख ही नहीं रहा, तो कहीं दे रखा होगा, हम लोग को भी दिख नहीं रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये अलग है यार, यहाँ है ही नहीं मिल रहा है, हम कहाँ से करूँ, फैसिलिटीज़ के बारे में नहीं है, जनरल हर स्कूल में जो फैसिलिटीज़ होता था हर कॉलेज में वही होगा, अलग तो नहीं होगा, गजब हैंग करता है। एकेडमी हॉस्टल रोल, ये क्या है, अच्छा हॉस्टल से नहीं दे रखा है यार, टच करते हैं तो नहीं आते हैं। गाइडलाइन फॉर द थेसिस, अच्छा गाइडलाइन यहाँ पे बढ़ दिया होगा तो ना, गाइडलाइन राइटिंग द सिम्बोसिस थेसिस एलेजेंडा पर, अरे याद दे रखी है यहाँ, नहीं दे रखी यार, सॉरी इसके लिए, मैं सोचा था बता दूंगा बट मिली नहीं रही तो मैं कहाँ से कहूँ, ठीक है। तो एक कैंपस था, बाकी आपको और कुछ डिटेल जानना है तो इस वेबसाइट पे आ सकते हैं आप, ठीक है। और कुछ नहीं अपडेट आ रहा है, इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो वही क्लिक नाउ था, नहीं करना है तो वहाँ पर क्लिक कर देना है। देन कुछ ऐसे प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पर, चला था अभी चल रहा है, ये था ऐसे कुछ हुआ था, ए फैसिलिटीज़ ऐसे कुछ हुआ था प्रोग्राम, ठीक है। ये क्या रिसर्च सेंटर है,
कैनल और रिसर्च सेंटर। और कुछ जानना है तो इस पर बस टच करना है, बैक जाके फिर से बैक करो, बैक हो गया। एडमिशन अभी तो नहीं, नहीं यार नहीं चाहिए। उसके बाद ये चीज़ें देखना है, इस पर क्लिक करो, नीचे आएगा, ये कुछ मिला है ना प्रोग्राम के अंदर, देख सकते हो ओरिएंटेशन अच्छा है बस। ठीक है, बाकी वहाँ जाने के बाद और अलग फीलिंग आएगा। कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको ऐसे मिलेगा सर्टिफिकेट, है ना, कि हाँ आपने BBSC यानी एडवांस वन कर रखा है। देन कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, 6 मई 2023 को है नीट एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन पहले, है ना, ऐसे ही कुछ मिलने वाला है। ठीक है, बाकी आप पे, बाकी चीज़ें आप पे जाता है कि आप क्या लेना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय।